अगर हम इसको खीर में डालते हैं कूट के, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने चावल और दूध को और इलायची को आपस में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। हमें इसे धीमी आंच पर ही पकाना है, नहीं तो हमारे दूध में जल्दी से उफान आ जाएगा। इसलिए हमें ना ही ढक्कन लगाना है और ना ही बहुत तेज आंच करनी है। और ये देखिए, अब हम अपने कान्हा जी के लिए खीर का भोग बना रहे हैं। देखिए, ये हमारे पास कोई 3.5 या 4 किलो के करीब करीब दूध है, तो हम इसमें कम से कम आधा या पौना किलो चावल डाल सकते हैं। हमने चावलों को बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ कर मसल कर धोना है, क्योंकि आजकल जो चावलों में बहुत ज़्यादा दवाई पड़ी होती है, इसलिए हमें चावलों को अच्छे से साफ करना है। और देखिए, अब हमारे यहाँ पर भोग जो है वो बनने जा रहा है। बहुत गंदा दिख रहा है वाला, एडा कुरता नहीं लग रहा तो। बहुत आए भगवान की। रुक भगवान उठा ले, देख 2 मिनट रुक। और ये देखिए, अब जो हमारी खीर है वो काफी पक चुकी है। पकने का ये तात्पर्य नहीं है, देखिए ये मतलब जो चावल है वो बिल्कुल प्रेस हो रहे हैं, ये देखो बिल्कुल पक चुके हैं। लेकिन अभी इसको मिक्स होने के लिए कुछ टाइम बाकी है, थोड़ी देर, सिर्फ हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए अच्छे वाले मिक्स हो जाए और ये थोड़ी सी सख्त भी हो जाए। देखिए, तब तक हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देते हैं और खुद करते हैं कुछ और काम, क्योंकि आज हमारे नाना जी की श्राद्ध भी है, तो इसलिए हमें और भी कुछ तैयारी करनी है। जैसे ये देखिए, ये जो कुकर हमने चूल्हे पे रखा था, इसमें देखते हैं भाई क्या है। देखिए, ये है माँ की दलवा, जिससे कि हम भल्ले पकाने के लिए इसे यूज़ करेंगे। अभी हम इसको अच्छे से प्रेस करके मसल लेंगे, जो इसका काला वाला छिलका है उसको बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, ये एकदम से निकल जाएगा और बाद में ये सफ़ेद वाले दाने ही रह जाएंगे। देखिए हम इसको कैसे करते हैं। पहले हम इसको सूखे से ही एकदम बिल्कुल प्रेस कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब फिर हम इस काले छिलके को एक दिन से निकाल देंगे।
अब ये काफी पक चुकी है। अभी भी इसको थोड़ी सी देरी और लगने की है। अब हम इसमें थोड़ा सा मीठा भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में वो भी गल जाएगा और हमारी खीर भी है तैयार हो जाएगी। इसी से एक और दो और मीठा, ये चीनी भी हमने इसके साथ मिक्स कर ली, ये भी इसी के साथ पक जाएगी। और ये देखिए, अब हमें से आग बिल्कुल भी नहीं जलाना है, अब यह खुद के खुद मिक्स होती जाएगी। और देखिए, ये देखो हमारे जो ये है जो माँ की दाल है वो एकदम से ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब हम इसी तरह से इस बाग की दाल को भी साफ कर देते हैं, फिर करते हैं हम आपसे बात। ये जो हमने सारी जो हमने वो ना दाल छिलके वाली जो भिगोई थी रात को वो बिल्कुल अच्छे से साफ कर ली। देखिए ये वो दाल है जिससे कि धुआं दाल भी बनती है, जो कि विवाह शादियों में बनती है और इससे भल्ले भी बनते हैं। देखो हमने देख एक बार पीस लिया। इसी तरह से हमें देखिए ये बिल्कुल प्रेस हो चुका है, अब हम इसको और भी पीस लेते हैं। भी हमारे घर के कामों में हेल्प कर रहे हैं। और देखिए अब हमारी जो है इडली पीस के तैयार हो गई, अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। ये बन गई है दाल। ठीक है बे, हेलो राम राम जी, बस ये तो क्या पैरा क्या 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 बाबू, हरी मिर्च डाली हुई है, धनिया डाला हुआ है, हल्दी डाली हुई है, बेसन नहीं होता पागल, बेसन नहीं होता है।
अच्छा पापा तुम करो फोन है ठीक है कभी बन चुके और नहीं था जी कभी आओ नहीं तुम कौन कौन है की जो ना शादी की